हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा और आज के वीडियो में मैं एक DIY बनाना लूज पाउडर शेयर करने वाली हूँ। मार्केट में ये इजीली अवेलेबल हैं, पर अगर इनकी प्राइस की बात करें तो आपको 400-500 से कम के नहीं मिलने वाले। मतलब 400-500 तो स्टार्टिंग रेंज है, और घर पे बनाने की बात करें तो मात्र 10-15 रुपये में घर की चीज़ों में ही बन के तैयार हो जाएगा, काम बिल्कुल मार्केट जैसा ही करेगा। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं ये बनाना पाउडर होता क्या है। तो ये गोल्डन येलोइश टोन में एक पाउडर आता है जो कि सारी स्किन टोन वालों को सूट करता है, और ये ऑयल को एब्जॉर्ब करता है, फाइन लाइंस की प्रॉब्लम को भी कम करता है, जो आपकी अनइवन स्किन टोन है उसको इवन करता है। और आप इसको मेकअप सेटिंग करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, फेस बेकिंग करना है उसके लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। तो इसके बहुत सारे यूज़र्स हैं। अगर आपको कभी कॉम्पैक्ट पाउडर वगैरह नहीं लगाना है तो ऐसे ही आप लूज़ पाउडर जैसे इसको लगा सकते हो, काम बहुत अच्छा करता है। तो चलिए अब देखते हैं इसको बनाना कैसे है। तो सबसे पहली चीज़ जो इसको बनाने के लिए चाहिए वो है केले। तो कच्चे केले मैं यूज़ कर रही हूँ। आपको जितना ज़्यादा बनाना हो उतना क्वांटिटी आप ले सकते हो। मैं सिर्फ 2 केले का यूज़ कर रही हूँ। तो आपको 2 कच्चे केले लेने हैं, उनको आप पील ऑफ कर लीजिए और किस लीजिए। जैसे चिप्स को किसते हैं उसी स्टाइल में आप किस लीजिए, या फिर बारीक बारीक कट भी कर सकते हो। और फिर एक प्लेट में इनको अच्छे से फैला के आप एक दिन के लिए धूप में रख दीजिए। अभी गर्मी का टाइम है तो एक दिन में ही ये कम्प्लीटली सूख जाएंगे। एक दिन में अगर नहीं सूखते हैं तो 2-3 दिन के लिए रख दीजिए, जब तक ये अच्छे से सूख ना जाएँ। तो अब ये सूख के तैयार हो गए हैं। तो अब इनको क्या करना है, आप पीस लीजिए। पीसने के लिए आप मिक्सर ग्राइंडर का यूज़ कर सकते हैं, उसमें आप इसको पीस लीजिए। इनको पीसेंगे तो ये हमें पाउडर फॉर्म में मिल जाएगा। तो इसको आप किसी भी छन्नी की मदद से छान लीजिए, क्योंकि इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं तो इनको छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने इसको छान के ही रखा हुआ है, छानना बिल्कुल नहीं भूलें। सबसे पहले कोई भी कंटेनर ले लीजिए, उसमें 2 से 3 चम्मच भर के बनाना पाउडर ले लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ज़्यादा बनाएंगे तो ज़्यादा ले लीजिए। कॉर्नफ्लोर मिक्स कर रही हूँ। कॉर्नफ्लोर से जो पाउडर है वो स्किन से चिपका रहेगा, लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। फिर ऑरेंज पील पाउडर लिया है जो कि ऑयल एब्जॉर्ब का बहुत अच्छा काम करता है, स्किन पर स्वेटिंग की प्रॉब्लम को भी कम करता है। फिर मैं इसमें टर्मरिक मिक्स कर रही हूँ। टर्मरिक में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, स्किन रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। और पहले मैं कम टर्मरिक मिला रही हूँ, अगर ये स्किन से मैच करता हुआ नहीं दिखेगा तो फिर मैं और मिक्स कर दूँगी। तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और बन गया हमारा बनाना लूज पाउडर। तो ये बन के तैयार हो गया हमारा बनाना लूज पाउडर। और आप इसमें टर्मरिक की जो क्वांटिटी है उसको कम ज़्यादा करके आप अपने स्किन टोन से मैच कर सकते हो। अगर काफ़ी डार्क कॉम्प्लेक्शन है आपका तो उसमें आप कोको पाउडर मिक्स कर सकते हैं, तो ये आपकी स्किन टोन को मैच कर जाएगा। और अगर आपके पास ऑरेंज पील पाउडर नहीं है तो आप इसमें चंदन पाउडर मिक्स कर लीजिए, पर मुल्तानी मिट्टी बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो एक लूज पाउडर बनाते समय मुल्तानी मिट्टी मिक्स कर लेते हैं, तो जब भी आपकी स्किन पे स्वेटिंग होगी तो वो वाइट वाइट हो जाता है फेस। इसलिए आप मुल्तानी मिट्टी बिल्कुल भी मत यूज़ करना, चंदन पाउडर यूज़ कर सकते हो या फिर ऑरेंज पील पाउडर हो तो काफ़ी अच्छा है। तो चलिए अब इसको अपने स्किन पे अप्लाई करके देखते हैं। मैं ये ब्रश से अप्लाई कर रही हूँ, आप कैसे भी इसको अपने स्किन पे अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कैसा काम। आप देख सकते हो मेरे फेस को कितना ऑयल फ्री लग रहा है, फ्रेश लग रहा है, गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग की प्रॉब्लम है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, अच्छा काम करेगा।
तो इस पाउडर को ज़रूर घर पे बना के देखिएगा, बड़ा ही इजी है बनाना। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा बना है, कैसा काम किया इसने आपकी स्किन पे। तो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। और अब मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए। तो अब मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।